मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टॉम अपनी मॉम ओलिविया के साथ उनके आइक्रिस नाम के एक प्रोजेक्ट पे जा रहा होता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद था उन गहरी पहाड़ियों में नई चीजों की खोज करना और उसकी मॉम वहाँ उस प्रोजेक्ट पे काम करती थी। साइट पे पहुंचते ही टॉम को उसके मॉम के साथ काम करने वाली डॉक्टर वोंग मिलती है। डॉक्टर वोंग टॉम को अपनी बेटी जून से मिलवाती है जो हमेशा कार्ड्स और मैजिक में लगी रहती थी। वोंग अपनी बेटी जून से कहती है कि तुम टॉम को ओरिएंटेशन सेंटर दिखा दो क्योंकि मैं और ओलिविया या किसी काम से कहीं जा रहे हैं। वहाँ का चीफ ऑफिसर फिलिप वहाँ आता है। फिलिप का बेटा एंजेलो बेकर भी वहाँ आया था और उसके साथ एलेक्स नाम की एक लड़की भी आई थी। उन सबको वो सेफ्टी ओरिएंटेशन के लिए फिलिप विजिटर सेंटर में ले जाता है। लिफ्ट से जाते वक्त फिलिप उन सबको वार्न करता है यहाँ उससे बिना पूछे वो लोग कहीं भी नहीं जा सकते, लेकिन टॉम अपने शैतानियों से बाज नहीं आने वाला था और वो सबसे छुपकर वर्किंग एरिया में चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि कैसे ड्रोन की मदद से वहाँ काम होता है। उसे नीचे वहाँ कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। तभी वहाँ एक अर्थक्वेक आता है और वहाँ काम कर रही एक वर्कर नीचे लटक जाती है। वो किसी भी वक्त गिरने वाली थी। टॉम जल्दी से वहाँ पड़ी हुई एक रस्सी को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन टॉम उसका वेट अकेले नहीं खींच सकता था। वो गिरने ही वाला था कि पीछे से फिलिप आकर उसे पकड़ लेता है और उन्हें बचा लेता है। सभी टॉम से कहते हैं कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिलिप भी टॉम से कहता है कि आज तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। टॉम को अब घर के अंदर ही रहने को कहा गया था। अब टॉम अपने ड्रोन को उड़ाकर देखना चाह रहा था कि वहाँ पहाड़ के नीचे क्या है। वो ड्रोन उड़ा ही रहा था तभी वहाँ जून आती है और कहती है कि उसे भी ड्रोन उड़ाना है और वो टॉम से लेकर ड्रोन उड़ाने लगती है, लेकिन वो ड्रोन जाकर एक शिप में फंस जाती है। रात को फिर से टॉम अपने ड्रोन को उड़ाकर देख रहा था कि तभी वहाँ पहाड़ों के बीच से अचानक से एक बिजली निकली और उसका ड्रोन गिर गया। वो ड्रोन लेने के लिए वहाँ नीचे जाता है तभी उसे वहाँ अजीब से जानवर जैसी चीज दिखाई देती है। वो देखता है कि उसका पूंछ वहाँ एक पत्थर से दबा हुआ है तो वो उसकी पूंछ पर से वो पत्थर हटा देता है। वहाँ एक ब्लैक कलर का ड्रैगन होता है जिसके मुंह से बिजली निकलती थी। ड्रैगन टॉर्च की लाइट पड़ते ही वहाँ से भाग जाता है। टॉम वापस से ऊपर चढ़ने लगता है लेकिन वो फिसलने की वजह से नीचे गिरने लगता है। तभी वो ड्रैगन उसका पैर पकड़कर ऊपर खींच लेता है और वो टॉम को उड़ाकर एक गुफा में ले जाता है। वो ड्रैगन अब टॉम का बैग लेकर भागने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो भूखा हो और उसे खाना चाहिए। ड्रैगन वापस से टॉम को पकड़कर उसके घर के पास ले आता है और उस ड्रैगन के एक इलेक्ट्रिक शॉक से उस प्रोजेक्ट की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और ड्रैगन टॉम को वहीं छोड़ देता है। लेकिन फिलिप टॉम को वापस आते हुए पकड़ लेता है और उसे उसके मॉम के पास ले जाता है। उसकी मॉम उसे फिर से डांटती है कि वो ऐसा खतरनाक काम क्यों करता है। अगले दिन टॉम अपने साथ के बाकी लोगों को बताता है कि उसने यहाँ ड्रैगन देखा पर कोई उसकी बातों का यकीन नहीं करता। एलेक्स टॉम से कहती है कि अगर ड्रैगन यहाँ हो भी तो अच्छा है वो इंसानों को ना दिखे, नहीं तो यहाँ की कंपनी उसे पकड़कर मारकर नई नई चीजें बनाएगी और अपनी प्रॉफिट मार्जिन बनाएगी। टॉम उस ड्रैगन के लिए आज कुछ खाने की चीजें ले जा रहा था। वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या हो अगर वो कोई नई स्पीसीज ढूंढ ले। उसकी मॉम कहती है कि जो भी मिलेगा उसका रेड कॉर्प कंपनी डिसाइड करेगी कि उसका क्या करना है। टॉम मैप में वो सीक्रेट केव ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ उसे वो ड्रैगन मिल सके। तभी वहाँ एलेक्स आती है और उसे कहती है कि ये मैप्स पुराने हैं, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उसे एक नया मैप देती है जो उसने कंपनी की साइट हैक करके निकाली थी। टॉम उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाता है और वो सबसे छुपता हुआ उस केव में पहुँचता है और ड्रैगन को अपने सारे फ्रूट देता है, लेकिन उस ड्रैगन को कोई भी खाना पसंद नहीं आता है। तब टॉम उसे फ्रोजन फिश नगेट देता है जिसे टॉम नफरत करता है, लेकिन ड्रैगन को वो फिश नगेट काफी पसंद आता है और वो टॉम को भी उसे खाने का इशारा करता है और टॉम को ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है। अब टॉम और उस ड्रैगन में दोस्ती हो रही थी। ड्रैगन फिर से टॉम को लेकर उन पहाड़ियों की सैर करवाता है। टॉम को अब काफी मजा आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ अर्थक्वेक आने से उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं तो ड्रैगन टॉम को उससे बचाता है। अब वो उसे लेकर एक गुफा में पहुँचता है जहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स थे। टॉम ये सब देखकर काफी खुश था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर पहुँचने वाली है तो वो ड्रैगन को जल्दी से उसे घर पहुंचाने को कहता है। ड्रैगन उसे उसके मॉम से पहुंचने से पहले उसे पहुंचा देता है। अगले दिन टॉम देखता है कि फिलिप वहां सेंसर लगा रहा था। तब वो एलेक्स के पास जाता है और उसे वो सेंसर हैक करने को कहता है। पहले तो एलेक्स मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। टॉम उस सेंसर को डिसेबल करके वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन आज उसका पीछा करते हुए जून उसके पास आ जाती है और वो भी उस केव में चली जाती है। टॉम उसे मना करता है
है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी वो ड्रैगन उड़ता हुआ आता है और टॉम के साथ खेलने लगता है। जून असली ड्रैगन देखकर हैरान थी। जून हमेशा सबसे कहती थी कि ड्रैगन्स होते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता था। टॉम उस ड्रैगन का नाम थंडर रखता है। थंडर जून को भी लाइक करने लगता है। जून कहती है कि वो अपने मॉम को बताएगी, लेकिन टॉम उसे मना करता है। वो कहता है कि अगर उसकी मॉम को पता चला तो पता नहीं कंपनी इसका क्या करेगी। टॉम जून को थंडर पे बिठाकर उस केव में ले जाता है, जहां और भी बहुत सारे ड्रैगन्स थे। जून उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि ये ड्रैगन कितने अच्छे होते हैं। तभी वहां कुछ ड्रैगन्स दिखते हैं जो क्रिस्टल खा रहे थे। जून उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो ड्रैगन्स जून पे हमला कर देते हैं। थंडर उन्हें उनसे बचाता है, लेकिन उनके अटैक की वजह से जून वहां नीचे एक गुफा में गिर जाती है, जहां उसे दो सर वाले ड्रैगन्स दिखाई देते हैं, जो अपने एक मुंह से बर्फ उगलता था और एक मुंह से आग। वो ड्रैगन्स भी जून पे अटैक कर देता है, पर जून उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और आखिर में बहुत कोशिश करने के बाद वो उसे कंट्रोल कर लेती है। इधर थंडर उन हमला करने वाले ड्रैगन्स को वहीं क्रिस्टल में फंसा देता है। जून उन ड्रैगन्स की मदद से वहां से बाहर निकलती है और टॉम से मिलती है और उस ड्रैगन को उनसे मिलवाती है। वहाँ ड्रैगन की केव में टॉम और जून को एक होल दिखाई देता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये किसी मशीन से बनाया गया हो। जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, तो उन्हें एक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। वो ड्रैगन घायल लग रहा था। टॉम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। जून उसे ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन टॉम उस घायल ड्रैगन की मदद करना चाह रहा था, पर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। टॉम और जून किसी तरह उसके हमले से बचते हैं और वो लोग उस ड्रैगन की मदद के ये मेडिकल किट लाने चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक्रिस का एक ड्रोन दिखाई देता है, जिसे थंडर अपने इलेक्ट्रिसिटी से नष्ट कर देता है। प्रोजेक्ट के लोग हैरान थे कि उनके ड्रोन अचानक से बर्बाद कैसे हो जाते हैं। उन लोगों को ड्रोन की फुटेज में उड़ती हुई एक चीज की परछाई दिखती है, और ये परछाई एलेक्स भी अपने लैपटॉप में देखती है। टॉम और जून प्रोजेक्ट पे वापस पहुंचकर मेडिकल किट चुरा रहे होते हैं, पर उन्हें ऐसा करते हुए एंजेलो देख लेता है। जून उसे कहती है कि बाहर एक घायल लिजार्ड है, जिसकी मदद के लिए वो लोग मेडिकल किट ले जा रहे हैं। एंजेलो उसे कहता है कि उसे घायल एनिमल के बारे में बहुत कुछ आता है और वो उसका इलाज अच्छे से कर सकता है। जून टॉम को एंजेलो को साथ ले जाने के लिए राजी करवा लेती है। वो दोनों एंजेलो को लेकर उस केव में पहुंचते हैं, जहां दो दो ड्रैगन्स को देखकर एंजेलो बेहोश होकर गिर जाता है। जब एंजेलो की आंख खुलती है, तो वो एक ड्रैगन पे बैठकर उड़ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि पता नहीं ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो तीनों उस घायल ड्रैगन की केव में जाते हैं और एंजेलो को उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो ड्रैगन फिर से उन पर हमला कर देता है। एंजेलो कहता है कि इतने खतरनाक जानवर का वो इलाज नहीं कर पाएगा, पर वो उस घायल ड्रैगन की हालत देखकर उसकी मदद करना चाह रहा था, और वो अपना इंजेक्शन लेकर उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और उसके हमलों से बचता हुआ उसे इंजेक्शन लगा देता है और फिर उसके विंग्स में फंसे क्रिस्टल के टुकड़े को निकाल देता है और वो ड्रैगन अब फिर से उड़ने लगता है। अभी वो लोग उस ड्रैगन का इलाज करके बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां तीन ड्रैगन और आ जाते हैं और उस घायल ड्रैगन को मारने लगते हैं, जिसे देखकर एंजेलो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो ड्रैगन सब एंजेलो पे हमला कर देते हैं। एंजेलो जून के साथ ड्रैगन पे बैठकर भागने लगता है। तभी एक ड्रैगन के हमले से एंजेलो नीचे गिरने वाला था, पर वो घायल ड्रैगन आकर एंजेलो को बचा लेता है और एंजेलो को अपने ऊपर बैठा कर वो बाकी ड्रैगन को भगा देता है। अब एंजेलो भी टॉम और जून के साथ उनके ड्रैगन क्लब में शामिल हो जाता है और वो अपने ड्रैगन का नाम ब्लो हॉर्न रखता है, और फिर तीनों अपने ड्रैगन के साथ वहां से चले जाते हैं। वो तीनों आज एंजेलो के घर पे ही डिनर करते हैं। इधर एलेक्स अपने कंप्यूटर से टॉम पर नजर रख रही थी कि वो कहाँ आता जाता है। एलेक्स की मॉम उससे कहती है कि तुम अपने रूम से बाहर क्यों नहीं निकलती हो, कब तक तुम अपने कमरे में ही बैठी रहोगी। इधर टॉम, जून और एंजेलो अपने ड्रैगन को छुपना सिखा रहे थे और एलेक्स भी उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास आ रही थी। एलेक्स की आवाज सुनकर वो लोग छिप जाते हैं, पर उनके तीनों ड्रैगन जाकर एलेक्स को डरा देते हैं और एलेक्स भागते हुए अपने घर चली जाती है। लेकिन एक ट्रांसपेरेंट ड्रैगन एलेक्स का पीछा करता हुआ उसके घर चला जाता है और एलेक्स उससे काफी ज्यादा डर रही थी। तभी वो तीनों आकर एलेक्स को उस ड्रैगन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। टॉम एलेक्स को बताता है कि वो ड्रैगन तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आया है, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब एलेक्स अपना हाथ ड्रैगन की तरफ बढ़ाती है तो ड्रैगन उसके सामने आ जाता है।
जाता है। एलेक्स काफी खुश थी, वो उसका नाम फेदर रखती है। इधर लगातार भूकंप के झटकों से प्रोजेक्ट के लोग काफी परेशान थे। ओलिविया सबको बताती है कि पिछला जो भूकंप आया था उसका एपिसेंटर बिल्कुल हमारे नीचे था, और अगर फिर से ऐसा भूकंप आया तो सारा प्रोजेक्ट टूटकर पहाड़ की गहराइयों में चला जाएगा। और इन सब भूकंप की वजह पहाड़ के नीचे एक होल है जिसके कारण अर्थक्वेक आते रहते हैं। ओलिविया सबको आइडिया देती है कि हम नीचे जाकर उस होल को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसकी वजह से ऊपर अर्थक्वेक आते हैं, और उस होल के खत्म होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके झटके से आसपास के केव टूट जाएंगे लेकिन उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉम और उसके दोस्तों के लिए अब एक प्रॉब्लम थी कि अगर वो केव टूट जाएंगे तो उसके ड्रैगन्स कहाँ रहेंगे, इसीलिए वो अपने ड्रैगन्स को फिर से पहले वाले केव में भेज देते हैं। वो लोग ड्रैगन्स को वापस भेजकर काफी दुखी थे। तभी उन्हें वहाँ बहुत ही बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जो कि पहाड़ों पर अपने हमलों से होल बना देता था। अब उन लोगों को समझ में आता है कि असल में वो जिसे भूकंप समझ रहे थे असलियत में वो उस ड्रैगन के हमले से होता है। वो लोग सोच के डर जाते हैं कि कल जब उनके पेरेंट्स पहाड़ों को डिस्ट्रॉय करने जाएंगे तो ये ड्रैगन्स उन्हें मार डालेंगे। अब उन सबको अपने ड्रैगन्स की जरूरत थी ताकि वो इस बड़े ड्रैगन को भगा सके, और वो सब निकल पड़ते अपने ड्रैगन्स को वापस लाने के लिए। एलेक्स उनके आंख और कान थी। टॉम और जून मशीनों से नीचे जाते हैं और एंजेलो उस मशीन को ऑपरेट करता है। टॉम और जून को पहाड़ों के नीचे फिर से वही ड्रैगन दिखा। वो दोनों डर जाते हैं। वो मशीन से जंप करके केव तक पहुंचते हैं। अब ओलिविया और फिलिप भी मशीन पे बैठकर नीचे होल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। टॉम और जून जिस केव में पहुंचे थे वो पत्थरों से बंद था। वो जोर जोर से थंडर को बुलाता है और तभी थंडर के साथ बाकी के ड्रैगन्स भी पत्थरों को तोड़ते हुए वहां से निकलते हैं। इधर वो बड़ा ड्रैगन ओलिविया के मशीन पे हमला कर देता है और उनकी मशीन एक पत्थर पे अटक गई थी और वो ऊपर नहीं जा पा रही थी। थंडर उस मशीन को पत्थर से छुड़ाता है और उस बड़े ड्रैगन पे हमला कर देता है। जून और एंजेलो भी टॉम की मदद के लिए आ जाते हैं और तीनों मिलकर उस बड़े ड्रैगन पे हमला कर देते हैं। कुछ देर तो वो काफी अच्छे से लड़ते हैं पर कुछ देर बाद उस तीनों ड्रैगन की फायरिंग पावर कम हो गई। तब एलेक्स अपने ड्रैगन के सुपरसोनिक पावर से उस ड्रैगन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन भागने लगता है, और अंत में सारे मिलकर उस ड्रैगन को भगाने में सफल रहते हैं। टॉम की मॉम और फिलिप भी अब सेफ थे, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।